पद्म अवार्ड्स 2021 यानी दोस्तों पद्म अवार्ड्स जो 8 नवंबर 2021 को दिए गए थे आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह अवार्ड्स उन लोगों को दिए जाते हैं जो अलग अलग फील्ड्स में महारत हासिल किए होते हैं, चाहे वह एंटरटेनमेंट का फील्ड हो, पॉलिटी का फील्ड हो या लिटरेचर, या उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया हो जिसे सराहा जा सकता है, इसलिए उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए यह अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो इन अवार्ड्स की भी 3 कैटेगरीज होती है जो कुछ इस प्रकार है। पहली होती है पद्म विभूषण, फिर दूसरी कैटेगरी आती है पद्म भूषण और तीसरी और आखिरी कैटेगरी होती है पद्म श्री अवार्ड्स। तो यह अवार्ड्स इन 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण की बात करें तो यह इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है जो भारत रत्न के बाद आता है। वहीं पद्म भूषण है 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और पद्मश्री है 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी थी लेकिन जो अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वह हुआ है 8 नवंबर 2021 को। एक और खास बात, जो इस साल यानी 2021 में जो यह पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं वह 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी जो टोटल अवार्ड्स की संख्या है वह है 119, जिनमें से 29 अवार्ड्स महिलाओं को दिए गए हैं, 10 फॉरेनर लोगों को यह अवार्ड्स मिला है और 16 लोगों को मरणोपरांत यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलिए जानते हैं वह लिस्ट, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि इनमें से कुछ आम आदमी ऐसे भी हैं जिन्होंने देश हित के लिए सराहनीय कार्य किया। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको पद्मश्री जो पद्म अवार्ड्स है 2021 के उनके बारे में बताऊंगी लिस्ट बाय लिस्ट। तो पहले हमारे श्रेणी में आते हैं शिंजो आबे, जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। दूसरे हैं हमारे LP बाला सुब्रमण्यम, जिनको भी पद्म विभूषण से 8 नवंबर 2021 को सम्मानित किया गया था। एंड थर्ड वन इज हमारे बिल्ले मोनापा हेगड़े, जिनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यह मेडिसिन के क्षेत्र से हैं, यह वेटरनरी डॉक्टर एंड एजुकेशनिस्ट, रीडिफाइन प्रिवेंटिव केयर एंड गुड हेल्थ सब्सिस्टेंस। मेरा मतलब यही है कि इन्होंने कुछ हेल्थ के सेक्टर में अच्छे कार्य किए हैं, इसलिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट जो है वह भी हमारा पद्म विभूषण अवार्ड है जो नरेंद्र सिंह कपानी को दिया गया है। यह साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। जो अगले 2 अवार्ड्स हैं वो हमारी अदर कैटेगरीज से हैं, जिसमें पहला है पद्म विभूषण जो मौलाना वहीउद्दीन खान को दिया गया था। नेक्स्ट जो अवार्ड था वह बीबी लाल को भी पद्म विभूषण से दिया गया था। साथ ही नेक्स्ट की बात करूं तो जो पद्म भूषण की अवार्ड्स पर जब हम आते हैं तो यह चंद्रशेखर बी कंबार को कर्नाटका से ही है ये, और इन्हें लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड के लिए यह अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट इज सुमित्रा महाजन, जिन्हें पब्लिक अफेयर्स मध्य प्रदेश से जो है इन्हें भी पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट इज पद्म भूषण, इन्हें भी यह अवार्ड दिया गया है। नरिपेंद्र मिश्रा, इन्हें उत्तर प्रदेश में सिविल सर्विसेज, यानी दोस्तों जो हम बात करते हैं IAS IPS ऑफिसर्स की, यानी जो हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज में जाने की, यह नरिपेंद्र मिश्रा को उसी फील्ड में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे रामविलास पासवान की, जिन्हें पद्म भूषण से पब्लिक अफेयर्स में बिहार से ही है इन्हें अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट इज केशु भाई पटेल, इन्हें भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और यह भी पब्लिक अफेयर्स के फील्ड से आते हैं। नेक्स्ट इज कालबे सादिक, जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और इन्हें अदर्स कैटेगरी में डाला गया है, यह उत्तर प्रदेश से आते हैं। नेक्स्ट अवार्ड्स की बात करूं तो अब मैं वही अवार्ड्स की बात कर रही हूं, यानी दोस्तों पद्म भूषण की बात कर रही हूं मैं। तो इसमें पहला जो इसमें था रजनीकांत देवीदास श्रॉफ, इन्हें ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए अवार्ड दिया गया है। सरदार तारलोचन सिंह, इन्हें पब्लिक अफेयर्स के लिए यह अवार्ड दिया गया है। गुलफाम अहमद, इन्हें आर्ट के लिए यह अवार्ड
दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम पी अनीता, जिसे स्पोर्ट्स के लिए अवार्ड दिया गया है। रामस्वामी अन्ना वरप्पू, जिन्हें आर्ट क्षेत्र के लिए यह दिया गया है। सुब्बू अरुमुंगम, जिन्हें भी आर्ट क्षेत्र के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट जो अवार्ड है वह भी पद्मश्री अवार्ड है दोस्तों, और यह है हमारा जो पहला है वह है प्रकाश राव असावाड़ी, जिन्हें लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड के लिए यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट इज़ भूरी बाई, जिन्हें आर्ट क्षेत्र के लिए यह दिया गया है अवार्ड। नेक्स्ट इज़ आर्ट क्षेत्र से ही, मतलब आप देख सकते हैं कि आर्ट के क्षेत्र से, आर्ट फील्ड से कितने सारे लोगों को, अनेकों ये इतना सम्मानजनक अवार्ड दिया गया है। तो जो मैं बात कर रही थी राधे श्याम बारले को, इनकी भी अवार्ड जो था पद्मश्री से नवाजा गया है। नेक्स्ट जो आता है वह है धर्म नारायण वर्मा, जिन्हें लिटरेचर एंड एजुकेशन, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं ये, इनको यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट इज़ लक्ष्मिनी बुरा, जिन्हें सोशल वर्क आसाम में इन्होंने जो किया है उसके लिए अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट की बात करूं तो राजनी बैक्टर, जिन्हें ट्रेड एंड इंडस्ट्री पंजाब, इसके लिए अवार्ड दिया गया है। पीटर ब्रूक, यह भी यूनाइटेड किंगडम के हैं, यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ 16 लोग ऐसे थे जिन्हें फॉरन होने के बावजूद भी पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था, और यह है उनमें से एक है, यानी पीटर ब्रूक। नेक्स्ट इज सांगखूमी बुआलचुक, जिन्हें सोशल वर्क के लिए मिजोरम से यह बिलोंग करती हैं, इन्हें यह अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट जब मैं बात करती हूँ गोपी राम बरग्यान बुरा बुखोत की, इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। बिजोया, इनको भी यह अवार्ड दिया गया है। सुजीत चटर्जी, इन्हें लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम इसी अवार्ड की बात करें तो जगदीश चौधरी, जिन्हें सोशल वर्क के लिए, शुल्टिम चौंजोर सोशल वर्क के लिए, मौना दास स्पोर्ट्स के लिए, श्रीकांत दत्त लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए, नारायण देवनाथ आर्ट फील्ड के लिए, चूटनी महादो सोशल वर्क्स के लिए, इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट जो है पद्मश्री का अवार्ड वह दुलारी देवी को आर्ट सेक्टर के लिए, हंजाबम ओंगी राधे शार्मी को आर्ट सेक्टर के लिए, शांति देवी उड़ीसा सोशल वर्क के लिए अवार्ड दिया गया है। वायान दिबिया को पद्मश्री आर्ट सेक्टर के लिए, यह इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं दोस्तों। साथ ही दादूदान गाधावी को लिटरेचर एंड एजुकेशन, जो गुजरात के क्षेत्र से आते हैं, उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट जो पद्मश्री अवार्ड है वह है परशुराम विश्राम गंगावने को आर्ट सेक्टर के लिए, यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट जो मैं बात कर रही हूँ वह है जय भगवान गोयल, जिन्हें लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए यह अवार्ड दिया गया है, यह हरियाणा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज जगदीश चंद्र हल्दे, जिन्हें लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट भी लिटरेचर एंड एजुकेशन से हैं, ये है मंगल सिंह हाजोवारी। अब हम बात कर रहे हैं पद्मश्री अवार्ड्स की, तो थोड़ी सी इसकी लिस्ट जो है वह लंबी है, तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जिन्हें स्पोर्ट्स सेक्टर के लिए अवार्ड मिला है वे हैं अंशु जाम सिंपा, नेक्स्ट है आर्ट सेक्टर से पूर्णिमा सी जानी, नेक्स्ट भी आर्ट सेक्टर से हैं जो हैं मंजमा जोगती, नेक्स्ट है आर्ट सेक्टर से केरला के काइथा राम, नेक्स्ट इज लिटरेचर एंड एजुकेशन सेक्टर से नाम दियो सी काम्बले, नेक्स्ट भी आर्ट सेक्टर से हैं जो है महेश कनौड़िया और नरेश कनौड़िया, यानी ये दोनों लोग ऐसे हैं जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। नेक्स्ट भी जो पद्मश्री अवार्ड है वह है राजत कुमार कार को लिटरेचर एंड एजुकेशन से, और इसी के साथ इसी फील्ड में रंगस्वामी कश्यप को भी लिटरेचर एंड एजुकेशन से, सोशल वर्क के लिए प्रकाश कौर को, लिटरेचर एंड एजुकेशन में निकोलस काजानास को जो ग्रीस से हैं दोस्तों, आर्ट्स के लिए के केशवस्वामी को, आर्ट्स के क्षेत्र से लखा खान को, आर्ट्स के ही क्षेत्र से संजीदा खातून को, आर्ट्स के क्षेत्र से विनायक विष्णु यानी वर्तमान को यह पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। अब यह लिस्ट तो काफ़ी चौड़ी बड़ी काफ़ी अच्छी खासी है। अगर आप यह लिस्ट, यानी जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, काफ़ी लोग इसमें शामिल हैं, अगर आप यह लिस्ट पाना चाहते हैं, क्योंकि ये किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो
आपको अगर यह पीडीएफ फॉर्म में चाहिए या बिल्कुल एज इट इज़ इसी फॉर्म में चाहिए विद दी फीस आइडेंटिटी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें दोस्तों हम आपको सारी की सारी न्यूली अपडेट्स देते हैं और सारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें बताते हैं जो आपको आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो यह थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन के साथ जुड़े रहे। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।